बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल। आज हम बड़ी मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। हम बना रहे हैं बनाना आमली। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते। तो इसके लिए मैंने तीन अदर बनाना ले लिए हैं। जुड़वा बनाना है, ये देखें बिल्कुल जुड़े हुए आपस में। ये तीन बनाना है, तीन आपने एग ले लेने हैं। और इसके अंदर हम डालेंगे सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर डालेंगे जो बहुत ही इसमें मज़ा करता है। और इसके साथ हम पाउडर शुगर डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम बनाना को मैश करेंगे। देखिए बनाना हमारा अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। इसमें मैं 1/2 टेबलस्पून डालूंगी सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, इसको भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। और दूसरे बाउल में हम ले लेंगे पाउडर शुगर और इसके अंदर हम 3 अंडे डालेंगे। ये देखिए इसमें मैंने पाउडर शुगर डाल दिया और 3 अंडे डाल दिया। अब इनको अच्छे तरीके से मैं फेंट लूँगी। बहुत अच्छे तरीके से इनको फेंटना हमने। ये देखें अब हमने इनको आपस में मिक्स करना है दोनों को। बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हमने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना और इसको चूल्हे पे रखना है। फ्लेम को हमने लो फ्लेम पे इसको बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है क्योंकि ये मीठा और एकदम जो ये नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रह जाएगा। अब हमने इसको इसके अंदर डालना है। फ्लेम को लो करके हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। एक साइड से कुक हो चुका है, अब हमने इनकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करने के लिए मैंने इसको तवे के ऊपर शिफ्ट किया है। तवे के ऊपर शिफ्ट करने के बाद मैंने पैन को तवे के ऊपर रखा है और इसके अंदर मैंने इसको शिफ्ट कर लिया, क्योंकि अगर मैं इसको स्पून के साथ इसकी साइड चेंज करती तो फिर ये इसने टूट जाना था। हमने क्योंकि इसका पराठा रोल बनाना है। दोनों दूसरी साइड से कुक करने के बाद हमारा ऑमलेट बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम एक अदद पराठा लेंगे। ये डिलीट करो, ये बना। ये देखें आप पराठे के ऊपर हम इसको सेट करेंगे। अब हम इसको पराठे के ऊपर शिफ्ट करेंगे। ये बड़ा सॉफ्ट सा होता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। ये देखें आप रोल की तरह हम इसको लपेट लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रोल बन रहा है और बच्चों का फेवरेट। अगर जो बच्चे फ्रूट नहीं खाते उनको आप लंच में दे सकते हैं, स्नैक में दे सकते हैं। ये कितना ज़बरदस्त रोल बना है, इसको टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना है। आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।